subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1993 में रिलीज हुई तीन और बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें अजय देवगन की फिल्म संग्राम, सनी देओल की फिल्म लुटेरे और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आदमी शामिल है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इन तीनों फिल्मों की बजट के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं इन तीनों फिल्मों की ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि दोस्तों इन तीनों फिल्मों ने रिलीज होते हुए अपने पहले दिन पर कितने रुपए का कलेक्शन किया था और कौन सी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की फिल्म संग्राम के बारे में। दोस्तों 18 जून 1993 को रिलीज हुई थी एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म संग्राम, और उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था लॉरेंस डिसूजा ने। और इस फिल्म में अजय देवगन के साथ ऐसा जुल्का, करिश्मा कपूर, अमरीश पुरी, डैनी, रीमा लागू और आसरानी नजर आए थे। इस फिल्म को म्यूजिक दिया था नदीम सरवन ने और इसके बोल लिखे थे समीर ने। और मशहूर वेबसाइट IMDb की तरफ से इस फिल्म को 3.2/10 का बहुत ही खराब रेटिंग मिला था। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को बनवाने के लिए उस समय पर करीब 2.5 करोड़ रुपये का खर्च आया था। और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर यानी कि पहले दिन पर 8 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, और वही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम टोटल 2.70 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में से 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और दोस्तों ये एक हाई बजट फिल्म थी और अपने बजट के हिसाब से उतना कारोबार नहीं कर पाई थी, जिसके कारण अजय देवगन स्टारर फिल्म संग्राम बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आदमी के बारे में। दोस्तों 1 अक्टूबर 1993 को रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आदमी, और उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अरशद खान ने और प्रोड्यूस किया था सलीम ने। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ हरीश कुमार, गौतमी, गुलशन ग्रोवर और अजीत मुख्य किरदार में नजर आए थे। और IMDb की तरफ से इस फिल्म को 6.8/10 का बहुत ही शानदार रेटिंग मिला था। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को बनवाने के लिए उस समय पर करीब 2.70 करोड़ रुपए का खर्च आया था, और वही इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 10 लाख रुपए कमाए थे और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम टोटल 4 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में से 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म आदमी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं सनी देओल स्टारर फिल्म लुटेरे के बारे में। दोस्तों 2 अप्रैल 1993 को रिलीज हुई थी एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म लुटेरे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने और प्रोड्यूस किया था सुनील दर्शन ने। इस फिल्म में सनी पाजी के साथ जूही चावला, पूजा बेदी, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और चांकी पांडे नजर आए थे। और इस फिल्म को म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद, और इसके कहानी को लिखा था धर्मेश दर्शन और कमलेश पांडे ने। और तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की बड़े बजट में बनी थी उनकी ये फिल्म, और इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर बहुत ही शानदार कलेक्शन की थी, तकरीबन 30 लाख रुपए कमाई थी अपने ओपनिंग डे पर और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम टोटल 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और पूरे वर्ल्ड में से 9.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और दोस्तों IMDb की तरफ से इस फिल्म को 5.2/10 का रेटिंग मिला था। तो चलिए दोस्तों आप आपको बताते हैं कि किसकी फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी थी। तो दोस्तों यहां पर सनी देओल की फिल्म लुटेरे ने ओपनिंग डे पर बाजी मारी थी, और वही दूसरी और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आदमी ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।